बहुत खुशी है, मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी है, मैं खुद को खुद की मेहनत से जीती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा मेरे पापा का सपोर्ट है मेरे ऊपर। मेरे पापा ने मेरे को इस गेम को करने के लिए कहा था तो मैं पापा की बात मानकर इस गेम को करती हूँ और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीत गया। हमारे कोच साहब की वजह से मैं आज ये गेम खेल पाई हूँ, उनके स्पोर्ट्स के कारण कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये गेम अच्छी तरह कर सकते हो, तो मैं अपनी कोच की वजह से ये गेम कर पाई हूँ। आगे इंटरनेशनल में भी मैं गोल्ड मेडल भी जीत कर पाऊंगी। ये अभी 15 से 18 नवंबर को हिमाचल के चंबा में जूनियर और सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। उसमें हमारे हरियाणा की लड़कियों ने जूनियर कैटेगरी में और मिक्स कैटेगरी में और सीनियर वुमेन कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की। हम अपने जो इवेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस कराते हैं। जो हमारे ज़्यादातर इस एरिए से जितनी भी लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, ज़्यादातर जर्जर बिहानी दादरी से सिलेक्टेड थी, उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में ओवरऑल स्थान प्राप्त करके हमारे हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया। ज़्यादा खुशी है, खुशी से मेरे को जो है उठो मत, क्योंकि मेरे परिवार मेरी बेटियों की तरह है, मेरी पोतियों की तरह है ये बेटियाँ, मेरे पारिवारिक संबंध है। और मैं वहाँ बादल सिंह जी को भी तथा उनके कोच को भी बधाई देता हूँ कि कम से कम ये सिस्टम हमारे एरिया में है, नौकाय का कोई प्रबंध नहीं है, तो इन्हें वहाँ इनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग दे के ये बेटियाँ जो इनाम ले रही हैं देखो हमारे गांव के लोगों के इनके माताओं बहनों और भाइयों को कितनी खुशी हो रही है। और मैं अपील करूँगा हरियाणा सरकार से और मैं चिट्ठी भी लिखूंगा मुख्यमंत्री को भी कहूंगा, संदीप सिंह को भी, ये दो बेटियाँ इतनी कामयाब हो रही है तो हमारे यहाँ भी कोई नौकाय का अरेंजमेंट होना चाहिए। और तब तक मैं फौज को बादल सिंह जी को भी और ये सारे हिंदुस्तान में नहीं आगे इस एरिया की एक खासियत है क्योंकि यहाँ की बहन बेटियाँ जब आगे निकलती है तो वो एशिया वर्ल्ड तक जो है ना चैंपियनशिप के लिए लड़ाई लड़ती है और ये बेटी को आगे हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन करेंगे।